आप देख रहे हैं बी न्यूज। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि किला सैफुला बलोचिस्तान में जब सैलाब का पानी एक बस्ती की तरफ बढ़ रहा था तो वहां पे एक अजीबो गरीब किस्म का वाकया रोनुमा हुआ। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है इस सदी का। ये आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि किला सैफुला बलोचिस्तान में जब सैलाब का पानी एक बस्ती की तरफ बढ़ रहा था तो वहां के लोगों ने बेबसी के आलम में कुरान पानी के सामने रख दिया। कुरान पाक जब पानी के सामने रखा गया तो उस वक्त लोग बिल्कुल बेबस हो चुके थे नाज़रीन, क्योंकि एक बड़ा रेला जो है आबादी की तरफ बढ़ रहा था और लोगों के पास उसको रोकने के लिए कोई किसी किस्म का कोई ज़रिया नहीं था। उसके बाद लोगों ने बेबसी की हालत में कुरान मजीद जो है पानी के सामने रख दिया तो बस्ती से 2 किलोमीटर दूर ज़मीन फट गई, ज़मीन फट गई और पानी इसके अंदर चला गया। ये नाज़रीन एक अनोखा वाक्या पेश आया है और एक बहुत बड़ा इस सदी का मौजज़ा भी इसको कहा जा सकता है कि जब अल्लाह ताला जो है अपने बंदों पर रहम करता है और अपने बंदों की आवाज़ सुनता है तो फिर अल्लाह ताला इसी तरह गैब से जो है वह असबाब बनाता है। ये किला सैफुल्ला बलोचिस्तान में बताया जा रहा है। सैलाब, इतनी हालिया बारिशों की वजह से जब सैलाब आया और बस्ती वालों ने देखा है कि ये जो पानी का रेला आ रहा है तो ये हमारी पूरी की पूरी बस्ती को बहाकर ले जाएगा। गरीब लोग वहाँ पे आबाद थे, कच्चे मकान थे लोगों के, उनकी जमा पूंजी वहाँ पे थी तो लोगों ने नाज़रीन उनके बस में जब कुछ नहीं आया, ना कोई हुकूमती मशीनरी उनके पास आई, ना वो सैलाब रोकने के लिए उनको कोई और मदद मिली। पहले वो चिल्लाते रहे, बहुत सारे उन्होंने हुकूमत से भी बात की, मुतालबात भी किए कि खुदारा यहाँ पर कोई बंद बांधा जाए या हमारी बस्ती को बचाया जाए। जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो किला सैफुल्ला बलोचिस्तान के लोगों ने बेबसी के आलम में कुरान पाक उस पानी के सामने रख दिया कि कुरान पाक ही इस पानी को अब रोकेगा और हमारे घर बचाएगा। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब कुरान पाक पानी के सामने देखा तो नाज़रीन ज़मीन फट गई, और ये ज़मीन कोई थोड़े से 2-3 गज़ नहीं फटी, ये ज़मीन तकरीबन 2 से 3 से 4 किलोमीटर नाज़रीन ज़मीन फटी है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये सदी का सबसे बड़ा मौजज़ा सामने आया है। जब जैसे ही कुरान पाक सामने रखा गया है नाज़रीन तो ज़मीन फट गई है और ज़मीन तकरीबन 3 किलोमीटर ऐसे लंबी जो है वो फटी है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और पानी ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो गया और इस तरह वो बस्ती जो है वो बच गई। लोगों की ज़बानों पर सुभान अल्लाह के, माशाल्लाह के जो विर्द थे और वो अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर पड़े। किला सैफुल्ला बलोचिस्तान से आपको खबर दे रहे हैं नाज़रीन के जब सैलाब का पानी एक बस्ती की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ के लोगों ने बेबसी के आलम में कुरान पानी के सामने रख दिया तो बस्ती से 2 किलोमीटर दूर ज़मीन फट गई और पानी इसके अंदर चला गया और इस तरह बस्ती बच गई। ये नाज़रीन, जब मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद करते हैं और जब मुसलमानों को कोई दुनियावी ताकत से मदद की उम्मीद नहीं होती तो वो खुदा को जब याद करते हैं तो फिर खुदा इसी तरह मदद को आता है। नाज़रीन, एक अनोखा वाक्या पेश आया और ये मौजज़ा इसको कहा जा सकता है। किला सैफुल्ला बलोचिस्तान में जब सैलाब का पानी एक बस्ती की तरफ बढ़ रहा था नाज़रीन तो ये एक मौजज़ा देखने को मिला है, जब लोग बिल्कुल बेबस हो चुके थे क्योंकि साथ की बस्तियां और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, वो अपनी आंखों से देख चुके थे। जब उन्हें अपनी जमा पूंजी, अपना माल मवेशी, अपने घर बर्बाद होते हुए दिखाई दिए और उनके पास कोई और चारा नहीं था तो उन्होंने अल्लाह पे छोड़ते हुए कुरान पाक जो है उस पानी के सामने, उस शराबी रेले के सामने जब कुरान पाक रखा तो ज़मीन जो है तकरीबन 4 किलोमीटर तक ज़मीन फटती गई और वो सारा पानी उस ज़मीन के अंदर चला गया है। अब बड़ी तादाद में लोग उस जगह को देखने आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब इस गड़े का, इस ये जो ज़मीन फटी है इसका क्या करना है। नाज़रीन, जैसे वहाँ से हमें कोई और इत्तला आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।